एक्स वाला कंपोनेंट क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है माइनस टू, इनिशियल है टू, तो ऐसे कर सकते हैं माइनस टू डिवाइडेड बाय कितने टाइम प्लस वाई वाला कंपोनेंट फोर माइनस थ्री इसी तरह के वाले पार्ट वन माइनस सिक्स कितना आ जाएगा माइनस टू आ गया जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर माइनस फाइव बाई टू दिस इज द एक्सेलरेशन ठीक है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है अगर इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड एट टाइम पे यू प्लस वी बाई टी होता है यू प्लस वी इज द एवरेज स्पीड यू प्लस वी बाई टी ये करो सॉरी यू प्लस वी बाई टू ये होता है ठीक है ये चीज करना रहा इसमें भी कंपोनेंट वाइज एक्स का केवल एक्स के साथ ऐड हो वाई का वाई के साथ जीरो हो जाएगा ये वाला सेवन हो जाएगा ये वाला सेवन हो जाएगा सेवन जे कैप सेवन के कैप कौन सा ये तो दोनों सेवन होगा ना सेवन जे कैप प्लस सेवन के कैप बाय टू टाइम कितना है तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये डिस्प्लेसमेंट ठीक है समझ में आया तो देखो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग कर दो और अलग अलग तीनों को सॉल्व कर दो एकदम सिंपल हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि शुरू में वो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट में जब तक शुरू वाला पोजीशन नहीं ऐड करोगे तब कैसे फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट चेंज ऑफ पोजीशन तो इनिशियल पोजीशन में ऐड करना होगा डिस्प्लेसमेंट तभी फाइनल निकलता है ठीक है कौन वाला ये तो फार्मूला बताया ना तुम लोग को एवरेज स्पीड का फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का लिखवाए तुम लोग को फार्मूला के लिस्ट में देखो पलट के पीछे कॉपी इसको ही बना सकते हो थोड़ा लेंदी होगा ये सिंपल है ज़्यादा सेम आंसर है एक टॉपिक है हम लोग का वन डायमेंशनल मोशन में एक चीज बचा हुआ दो तीन क्वेश्चन है तुम्हारा वर्टिकल मोशन का उसको कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे ठीक है तो लिखो वर्टिकल मोशन अभी हम लोग वर्टिकल मोशन करेंगे तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इसको हम लोग स्टडी करते हैं ठीक है तो इसमें देखो क्या होता है पहला तो ये वन डायमेंशनल मोशन क्योंकि एक ही लाइन में जा रहा है एक ही लाइन में वापस आ रहा है ठीक है दिस इज वन डायमेंशनल मोशन ठीक है इट इज वन डायमेंशनल मोशन अब इसमें डायरेक्शन का बात होता है ठीक है हम किस तरफ प्लस ले किस तरफ माइनस ले तो जनरली अपवर्ड इज टेकन एज प्लस डायरेक्शन ठीक है तो अगर अपवर्ड को प्लस लेते हैं तो मान लो शुरू में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया यूज़ टू तो हम लोग अगर इक्वेशन लिखे तो
शुरू का स्पीड इनिशियल स्पीड हो जाएगा यू, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू। एक्सेलरेशन हो जाएगा व्हाट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउन, सो वी विल राइट एक्सेलरेशन इज माइनस जी बिकॉज दैट इज डाउनवर्ड। ऑल द डायरेक्शंस व्हिच आर अलोंग वर्टिकली अप विल बी टेकन एज प्लस एंड which are vertically down will be taken as minus, acceleration will be minus, ठीक है। अब इन दोनों को use करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो motion of equation along straight line है उसको हम लोग modify करेंगे, देखो कैसे vertical को। सबसे पहला v equal to u plus at होगा, तो क्या बन जाएगा ये, v equal to u minus फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस विल बिकम s है डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जनरली सिंबल यूज करते हैं y, ठीक है, या हाइट h ऐसा कुछ यूज करते हैं, तो y विल बिकम यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दिस विल बिकम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वन, ठीक है, इसके जगह वाई लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ओके। बाकी और भी है इक्वेशंस, एंथ सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा वो भी निकाला जा सकता है, इन एनथ सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे ओके। तो मेन ये तीनों फॉर्मूला हमारे पास है, अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में अराइज दैट व्हाट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कितना देर तक पूरा वो एयर में रहेगा बिफोर फॉलिंग, आर यू गेटिंग, द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द एयर बिफोर फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड, ठीक है, तो व्हाट विल बी दैट टाइम, तो वो टाइम कितना, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो, तो कैसे निकाला जाए, तो देखो ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो किया गया, ऊपर गया और वापस आ गया, इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देना है और टाइम निकाल देना है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो किस में कर सकते हैं, तो इसमें जीरो कर दो, यू मालूम है इनिशियल स्पीड जी तो फिक्स होता है, टाइम निकल जाएगा, तो अगर एक गिवन इनिशियल स्पीड के लिए हमारा टाइम इतना होगा, ये निकल जाएगा, आर यू गेटिंग, सो इन दिस इक्वेशन पुट वाई इक्वल टू जीरो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, व्हाट विल बी टाइम, टाइम का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा जीरो और दूसरा टू यू बाई जी, सॉल्व करके देखो इक्वेशन को, यहाँ है सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर टू डिफरेंट टाइम्स, टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू टू यू बाई जी, t इक्वल टू जीरो पर इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ही, क्योंकि शुरू में तो ऑब्जेक्ट वहीं पर था, इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट द सेम पोजीशन, तो शुरू में तो जीरो था ही, एंड इतने टाइम के बाद फिर से वो वापस उसी पोजीशन पर आ रहा है, सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर दिस मच टाइम ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, फॉर दिस मच टाइम t इक्वल टू टू यू बाई जी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड चीज, ये एक चीज निकला, सेकेंड थिंग वी विल ट्राई टू फाइंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है
रुकता है और फिर ऐसे वापस आता है. तो द मोमेंट इट स्टॉप्स विल डिसाइड द टाइम फॉर गोइंग टू हाईएस्ट. फिर से सुनो, देखो, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम स्पीड. एट हाईएस्ट पॉइंट इट स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट एंड देन रिटर्न्स. तो एट हाईएस्ट पॉइंट इसका स्पीड जो होगा वो जीरो हो जाएगा. तो वो कंडीशन लेकर हम लोग चलते हैं. तो ये वाला ले सकते हैं, दिस वन. फाइनल स्पीड इज जीरो, कितना होगा? टी इक्वल टू यू बाई जी. ऊपर जाने कितना टाइम लग रहा है? यू बाई जी. और पूरा टाइम कितना लग रहा है? टू यू बाई जी. यानी कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही फिर नीचे आने में भी लग रहा है. लिख लो इस कंक्लूजन को. टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज सेम एज, सेम एज टाइम टेकन टू रीच टू द ग्राउंड, सेम एज टाइम टेकन टू रीच टू द ग्राउंड फ्रॉम हाइएस्ट पॉइंट. ठीक है, ओके, ये हो गया. अब तीसरा चीज, मैक्सिमम कितने हाइट तक हो जाएगा? तो इस टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही हो जाएगा. तो इसमें पुट करो ये वाले में, मैक्सिमम हाइट टाइम की जगह जी बाई जी पुट करो. दिस इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट जो है इतना होगा. अब एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करोगे. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट. Find total time of flight and find the maximum height. This is initial speed. We have to find all the three quantities which we have studied. Time of flight, time taken to reach highest point and the maximum height. ले लो, सिंपल हो जाएगा. 9.8 लोगे तो थोड़ा कैलकुलेट कर रहा में आया. ठीक है, तो निकल गया तीनों का वैल्यू कितना कितना आया? 8 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 80 मीटर्स. ठीक है, ये तीनों आंसर आया. ओके, ये हो गया. अब इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है वर्टिकल मोशन में. अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करने के बदले किसी टावर से नीचे की तरफ थ्रो किया गया तब क्या हो? If an object is thrown downward from a tower, तब देखो क्या क्या चेंजेस आए. U जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा. U will also become negative. और ये displacement देता है. ठीक है, लेकिन पहले से ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर, तो वो चीज ध्यान में रखो. ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एट सम हाइट एंड इट इज थ्रोन डाउनवर्ड.
देन डिस्प्लेसमेंट यू कैन फाइंड लाइक दिस, बट इसका पोजीशन पहले से कुछ दिया हुआ तो उसमें इसको ऐड करके फाइनल पोजीशन फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेने के बदले हम लोग नीचे की तरफ पॉजिटिव लेना शुरू करें। सेकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ए टावर टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अब नीचे वाले को सबको पॉजिटिव कंसिडर करें, तो जी पॉजिटिव हो गया, यू पॉजिटिव हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट तीनों के तीनों पॉजिटिव, तो इक्वेशन फिर उस हिसाब से लिख दो सारा, सबको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। हमारे ऊपर होता है हम पॉजिटिव किस तरफ लेते हैं किस तरफ नेगेटिव लेते हैं, हमें बस मालूम रहना चाहिए कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए तो डाउनवर्ड वाले सब एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है सॉल्व करने का। इफ़ ये एक हो गया चीज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, अगर ड्रॉप किया गया किसी ऑब्जेक्ट तब क्या होगा, क्या कंडीशन होगा उसकी। ड्रॉप किया गया है इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा सारा इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। इसको लिख लो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, इसको नहीं लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है, h हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, तो हम लोग नीचे की तरफ इस बार पॉजिटिव लेकर लिख रहे हैं सारा कुछ, तो देखो क्या लिखेंगे, इनिशियल स्पीड तो जीरो हो गया, u इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू हो जाएगा केवल जी टी, ठीक है, माइनस जी टी नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जी अभी पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन इज प्लस जीरो, नीचे वाला सारा चीज पॉजिटिव लिखेगा, ऊपर वाला को माइनस लिखेंगे, तो नीचे जी तो नीचे ही लगता है, तो जी इज पॉजिटिव नाउ, तो वी इक्वल टू जी टी, ठीक है, पहला इक्वेशन से ये जीरो हो गया, ये जी टी हो गया। अब दूसरा इक्वेशन यू जीरो एंड एस कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये जीरो हो गया, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू जी एच, ठीक है, जो भी हुआ एच लिखे या एस लिखे, ठीक है, एस लिखे, एच पूरा हाइट है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो एस हाइट गिरने के बाद स्पीड कितना होगा, रूट टू जी एस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच, ठीक है, और हाइट एस, इफ इट कवर्स दिस हाइट एस देन हाउ मच स्पीड इट विल एक्वायर, अंडर रूट टू जी एस, ठीक है। एच हाइट का टावर में गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉल फ्रॉम ए हाइट एच टावर, टू एच बाय जी अंडर टू, ठीक है, तो लिख लो, दिस इज द स्पीड एक्वायर्ड, द वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर फॉलिंग हाइट एस, ठीक है, velocity acquired after falling for s, ठीक है, फिर लिखोगे time to reach the ground, टाइम टू रीच ग्राउंड, ठीक है, सीधा एंगल पर, तो वो अलग हमें पड़ेगा प्रोजेक्टाइल में आएगा, तो
जो स्टाइल बोलते हैं ठीक है वो अलग चीज़ है। ऐसे गिरा ना, ऐसे गिरा तो ऐसे गिरा, तो ऐसे गिराने पर वो ऐसे गिरेगा नहीं, वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है। ओके समझ में आया। अब देखो इसमें एक चीज हम लोग इसमें पहले प्रॉब्लम बुक से सॉल्व करो, फिर एक चीज उसमें और करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 23 स्टार्ट करो। नहीं सब उल्टा हो जाएगा, सारा साइड नेगेटिव आ जाएगा, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग कैसे भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन माइनस साइन क्यों बार बार लिखा, इसलिए नीचे की तरफ पॉजिटिव लेकर हम लोग करते हैं। माइनस आ गया, अगर बाई चांस माइनस आ गया आंसर में, इसका मतलब ये है हमने जो भी डायरेक्शन लिया था उसके उल्टा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। करो इसको सॉल्व करो 23, 24, 25, ये तीन चार प्रॉब्लम करोगे। 23 नंबर से स्टार्ट करोगे।